हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की यह लिस्ट आनी थी, 20 उम्मीदवारों की सूची फिलहाल जारी कर दी गई है। आपकी तरफ से पहली लिस्ट है ये हरियाणा चुनाव को लेकर, जिसमें किस किस के नाम शामिल है, कोशिश करती हूँ आपको कुछ नामों से रूबरू करवा सकूँ। कुल मिलाकर 20 कैंडिडेट्स है जो कि इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने शामिल किए हैं हरियाणा चुनाव को लेकर, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं। देखिए, नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह को टिकट दे दिया गया है, गुरपाल सिंह का नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं, कलायत से अनुराग ढांडा को टिकट दे दिया गया है, अनुराग ढांडा भी चुनाव लड़ते हुए कलायत से नजर आएंगे। इसके साथ ही पुंडरी से नरेंद्र शर्मा हैं, गारुंडा से जयपाल शर्मा को टिकट दिया गया, आसान से अमनदीप जुंडला को टिकट दिया गया है, समैखा से बिट्टू पहलवान को टिकट दिया गया है, फिर बेरी से सोनू अहलावत शेरिया चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, बादली से रणबीर गुलिया, बहादुरगढ़ से कुलदीप चेकारा, रोहतक से बिजेंदर हुड्डा है, मैहाम से विकास नेहरा, इसके साथ ही भिवानी से इंदु शर्मा चुनावी मैदान में नजर आएंगे, रानिया से हैप्पी रानिया चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, नारायणपुर से गुरपाल सिंह को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। ये 15 लोगों की सूची है। कलायत से अनुराग ढांडा है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। कुल मिलाकर 20 नाम इसमें शामिल किए गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली सूची है। जिस तरीके से पहले खबरें थी, हरियाणा में चुनाव साथ साथ लड़ने की कोशिश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हालांकि टिकटों को लेकर लगातार स्थिति संशय की बनी हुई थी। घरौंडा से जयपाल शर्मा को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। ये बाकी के 5 नाम भी इस वक्त आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई पहली लिस्ट पर थानेश्वर मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, इन 20 नामों में फोकस पॉइंट और फोकस चेहरे कौन कौन से हैं? कुल मिलाकर ये 20 उम्मीदवार और ये 20 सीटें कितनी इंपॉर्टेंट आम आदमी पार्टी के लिहाज से? देखिए, जैसा पहले ही कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी में अगर कलायत से कोई चुनाव लड़ेगा तो अनुराग ढांडा लड़ेंगे। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं हरियाणा के, उनका काफी पहले पत्रकार रहे हैं और काफी अच्छा रसूख है, लेकिन कलायत में उनका कोई ऐसा रसूख नहीं है। कलायत में वो जिस तरीके से कमलेश वहां से चुनाव लड़ रही है उसको ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए कमलेश और पुंडरी से नरेंद्र शर्मा को दिया गया है, गरुंडा से जयपाल शर्मा को दिया गया, अमनदीप जुंडला को। कुल मिला के अगर मैं कहूं कि जिस तरीके से इनकी ये लिस्ट आई है अभी 20 लोगों की, इस 20 लोगों में कोई ऐसा बड़ा नहीं लग रहा कि जो डायरेक्ट फाइट कर सके। इन्होंने जिस तरीके, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी खतरा है कि अगर हमने एक साथ लिस्ट जारी कर दी तो कहीं हमारे यहाँ भी बीजेपी की तरह बगावत ना हो जाए। पुरानी कहावत है कि ट्रेलर देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म कैसी होगी, चाहे आप आम आदमी पार्टी की लिस्ट देख लीजिए, कांग्रेस की लिस्ट देख लीजिए, जैसे उनके ट्रेलर आ रहे हैं जिस तरह के। कांग्रेस ने पहले 31 की लिस्ट जारी की, फिर एक और किया, फिर 9 की और जारी की, आम आदमी पार्टी ने भी 20 की जारी की है। अभी कुछ ही देर पहले सुशील गुप्ता कांग्रेस पर प्रेशर करने का प्रयास कर रहे थे कि आप गठबंधन के बारे में बताइए वरना हम शाम को लिस्ट जारी कर देंगे। 4 बजे तक का उनको टाइम दिया था, अभी 4 बजी नहीं है, उससे पहले इन्होंने लिस्ट जारी कर दी। सीधा सीधा कांग्रेस पर प्रेशर करने का प्रयास भी है। और अभी तक जो ये 20 लोगों के नाम जारी किए हैं, 20 लोगों के नाम इनके पैरेलल वो लोग हैं जो सिंगल पैनल आम आदमी पार्टी के लिए टिकट के लिए गया था। अब इसमें सुशील गुप्ता का कहीं नाम नजर नहीं आ रहा। अनुराग ढांडा का शुरू से आ रहा था कि क्लाइट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अनुराग ढांडा का क्लाइट में कोई वजूद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी आम आदमी पार्टी में आने से पहले अनुराग ढांडा का भी क्लाइट गए भी होंगे। और क्लाइट की जो है वो जयप्रकाश जेपी जो अभी कांग्रेस के सांसद हैं उनका गृह क्षेत्र है और क्लाइट में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। अब जेपी के बारे में कहा जाता है कि इस बार जेपी के बेटे को वहां से टिकट भी मिल सकती है कांग्रेस की। और जिस तरीके से अनुराग ढांडा वहां पर फाइट करने के लिए गए हैं और जो इनका आम आदमी पार्टी की इलेक्शन पॉलिसी होती है उसके हिसाब से 20 चेहरे की जो मुझे अभी लिस्ट जारी हुई है, इनमें मुझे कोई भी ऐसा अनुराग ढांडा को छोड़कर कोई भी ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा कि जो बड़ा नाम हो। आज सुबह ही पंचकुला के जिला अध्यक्ष जो थे इनके ऊपर, वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। आप देख सकते हैं कि टिकट आने से पहले ही आम आदमी पार्टी में भगदड़ की जो सिनेरियो शुरू हो गया था। अभी टिकटों की अगर ये इन्होंने पूरी एक साथ 60-70 लोगों की टिकट, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि एक डेडलाइन समय की दे रखी थी आम आदमी पार्टी ने और उससे पहले ही ये सूची जारी कर दी है। अदिति भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। अदिति, हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी, उसको लेकर लगातार संशय था, कोई क्लैरिटी मिली नहीं। अब 20 सीटों पर नामों का ऐलान, क्या यह बताता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अब ना के बराबर हम समझे हरियाणा चुनाव को लेकर? प्रिसाइज 6 सीटें दी गई थी राहुल गांधी की तरफ से। दोनों आलाकमान ने आपस में बात कर ली थी। राघव चड्ढा इसमें बीच में मौजूद थे, इसीलिए राघव चड्ढा चाहते थे कि कायम रहे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं ने 2-2 की बात कही कि अगर हम अपने दम पे चुनाव जीत रहे हैं तो मंच साझा या फिर वोट शेयरिंग करने की जरूरत क्या है आम आदमी पार्टी की। वहीं दिल्ली के नेताओं ने इसी बात को जोड़ते हुए कहा कि अगर आज आप हरियाणा में उनको 6 सीटें दे रहे हैं,
वो भी उन सीटों पे, क्योंकि राहुल गांधी का मानना था कि जितने भी अग्रवाल बढ़िए लोग हैं जो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि उनके बढ़िए मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा हुआ है, तो वो वोट आ सकता है आम आदमी पार्टी के पास। तो राहुल और कांग्रेस का ये मानना था, लेकिन ऐसे में दिल्ली के नेता जो कांग्रेस के हैं उनका ये मानना था कि आज आप 6 सीटें दे रहे हैं तो कल को दिल्ली चुनाव में ये भी आपको 6 से 7 सीटें ही देंगे। ऐसे में क्या कांग्रेस तैयार है केवल 6 सीटों पर विधायक जीतने या लड़ने के लिए? तो इन तमाम बातों के बाद राहुल गांधी के सामने वीटो किया गया और राहुल गांधी और वही आम आदमी पार्टी पहले 20 और बाद में 10 सीटों पर मांग कर रहा था और राहुल गांधी ने क्लियरली 6 सीटें देने को कहा था। अब नाराजगी किस बात की थी? आम आदमी पार्टी में जब गठबंधन इंटरनली कॉल ऑफ हुआ तो आम आदमी पार्टी ने कहा, पहला आपको हमारे आलाकमान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था जब तक अपनी टीम से आपने बात नहीं की। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने गुस्से में कहा कि हम 90 की 90 सीटों पर आपके सामने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इंडिया गठबंधन की फूट, चाहे दिल्ली कह लो, चाहे इंडिया महाराष्ट्र कह लो, अलग अलग जगह जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान दिखी या दिखने वाली है, ऐसे में इसका फायदा मिलेगा किसको? तो यानी कि ये जो खींचतान हुई है, ये बात अलग है कि क्योंकि जल्दबाजी में प्रत्याशी उतारे हैं, हाँ दिखाने के लिए प्रत्याशी उतारे हैं, तो कोई दमदार चेहरा नहीं है। पर अगर आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट कटेगा तो वो कांग्रेस का कटेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी जो अभी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है चुनाव में, वो आगे आती हुई नजर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 10% वोट को ही इधर उधर करना है। ऐसे में दोनों की फूट का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और ये गठबंधन आज भले ये नेता कह रहे हो कि होगा या नहीं होगा, लेकिन 2 दिन पहले भारत 24 ने पूरी तरीके से इंटरनल कहानी बताते हुए बता दिया था कि गठबंधन कॉल ऑफ हो चुका है और लोगों ने पुट डाउन कर दिए। हरियाणा कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने पुट डाउन कर दिया था कि हम ये नहीं चाहते कि हम आम आदमी पार्टी के साथ अपना वोट और मंच करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका जानकारी के लिए। थानेश्वर भी मेरे सहयोगी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवारों की पहली सूची हरियाणा चुनावों के मद्देनजर जारी कर दी गई है।